श्लोक क्रमांक 35, 35। काले सात्म्यम शुचि हितम स्निग्धोष्णम लघुतन्मनः। षडरसम मधुरम प्राय मधुरप्रायम नातिद्रुत विलंबितम अविलंबितम नातिद्रुत विलंबितम स्नातः क्षुद्वान विवक्तस्थो धौतपाद करानः तर्पयित्वा पितृन् देवान अतिथिन बालकान गुरु प्रत्यवेक्ष तिर्यश्चोपि प्रतिपन्न परिग्रहान समीक्ष सम्यक आत्मनम अनिंद्य न ब्रुवन द्रवम इष्टमिष्टैहि सह अश्नियात शुचि भक्त जना आरुतम। बर अतः श्लोक है, यहाँ उन्होंने क्या बोला है कि खाना कैसे खाना है, भोजन विधि, भोजन विधि का ये श्लोक है। खाना कैसे खाना है, काले सात्म्यम, काल जो काल है खाना खाने का, 10 बजे खाना खा रहा है इंसान 11 बजे का, वही काल में खाना खाना है। कैसे खाना खाना है, साथ में खाना खाना है, जो साथ में है उसको वो खाना उसने खाना है। शुचि, अच्छा साफ सुथरा ऐसा खाना खाना है। हितम, उसको हितकर जो है वो खाना खाना है। स्निग्ध उष्णम, स्निग्ध और उष्ण भाव चाहिए उस खाने में, लघु लघुता चाहिए। और तन्मना, तन्मना मीन्स अच्छे मन से खाना खाना चाहिए। फिर षडरसम मधुरप्रायम, षडरसम षडरस युक्त ऐसा खाना खाना चाहिए। और मधुरप्रायम बेसिकली मधुर रस मुख्य होना चाहिए खाने में। नाति द्रुतम, भर झट से एकदम कम समय में खाना खाना ऐसे नहीं खाना खाना चाहिए। और नाति द्रुत विलंबितम, और धीरे धीरे भी खाना नहीं खाना चाहिए। स्नातः मीन्स नहाने के बाद, स्नातः नहाने के बाद, क्षुद्वान भूख लगने के बाद, विविक्तस्थो, विविक्तस्थ मीन्स जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, होटल जैसा एरिया रहता है कि जहाँ बहुत लोग है नहीं है, ऐसी जगह पर खाना खाना चाहिए। धौतपाद करानना, और आपके पैर हाथ और आनंद मीन्स मुख धोकर खाना खाना चाहिए। तर्पयित्वा पितृन देवान अतिथिन बालकान गुरुन, पहले पितृ जो है रुकारांत शब्द है उसकी द्वितीय बहुवचन पितृन, पहले जो पिता है माता पिता जो है उनको, देवान जो देव है उनको, अतिथि जो तुम्हारे घर में आपके घर में जो आए हुए लोग हैं बाहर के उनको, बालकान बच्चों को, और गुरुन जो बड़े हैं जो गुरु है उनको पहले क्या करना है, तर्पयित्वा उनको पहले खाना देना चाहिए, उनका पहले पेट भरना चाहिए। फिर क्या करना है, प्रत्यवेक्ष तिरश्च अपि प्रतिपन्न परिग्रहान, कि प्रत्यवेक्ष मीन्स उनका उनके बारे में सोचना चाहिए कि इनके बारे में। तिरश्चो अपि, तिरश्चो मीन्स तिर म्हणजे काय, जे प्राणी आहेत जे मनुष्य नाही आहेत, कुत्रा मांजर गाय म्हैस काय असेल तुमच्याकडे ते, त्यांचा विचार करून। प्रतिपन्न परिग्रहान, प्रतिपन्न परिग्रहान म्हणजे जन जे तुम्ही पाळलेलं आहे, गाई म्हैसी बैल काय असतील ज्यांची तुम्ही जबाबदारी घेतली आहे पाळण्याची, वो सब उसमें आते हैं प्रतिपन्न परिग्रहान। समीक्षा म्हणजे उनका भी उनको भी खाना पहले देना चाहिए, गाय बैल सब जो है उनको। समीक्षा सम्यक आत्मनम अनिंदन न ब्रुवन द्रवम, समीक्षा, समीक्षा मीन्स
सोचना चाहिए, देखना चाहिए, सम इक्षा देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? सम्यक आत्मन, खुद के आत्मा को, खुद के मन को देखना चाहिए कि क्या मुझे अच्छा है क्या बुरा है, ये सब देखना चाहिए। अनिंदन अब्रुवन, अनिंदन न ब्रुवन की निंदा नहीं करनी चाहिए खाने खाना की, जो खाना है उन उसकी, और न ब्रुवन और बातें नहीं करनी चाहिए खाना खाते समय। और द्रव, वो द्रव आहार रहना चाहिए, द्रवत्व तो उसमें रहना चाहिए। इष्टमिष्ट ही सह, इष्टमिस जो आपके प्रिय लोग हैं वो, मिष्ट मीन्स अच्छा खाना, उनके द्वारा सह अश्नियात उनके साथ खाना खाना चाहिए। शुचि भक्त जना आरुतम, शुचि में जो साफ सुथरा है इंसान, उसने उन्होंने जो खाना लाया है, आरुतम मीन्स जो उन्होंने खाना लाया है वो खाना अच्छा वाला खाना, अच्छे लोगों के साथ मिल बांट के खाना चाहिए। ऐसे क्या बोला है इन्होंने, बोला है ठीक है। इस श्लोक में कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ शब्द नहीं है ना। अरुण दत्त बोलते हैं कि काले वक्षमाणे, हाँ बोला प्रत्यवेक्ष में उनके बाद, प्रति अवेक्ष उनके बारे में सोच कर, प्रति मीन्स उसके त्याच्या जवळ, त्यांचा विचार करून, त्यांना पण भूक लागली आहे का, वो जो गाय बैल कुत्ता बिल्ली जो है ना, उनको भूक लगी है क्या नहीं लगी है क्या, वो सब सोच कर, सबको पहले खाना खाना देना है और बाद में खुद खाना है, ऐसा है। काले वक्षमाणे, काल हमने बताया गया है कौन से काल में खाना चाहिए चाहिए, तो हमने वो बोला है काल पहले के श्लोक में, हाँ कि भूख कैसे, भूख लगने के बाद खाना खाना है, वो सब मैंने बोल दिया है। तन मनहा भोजन गत चित्ताहा, तन मन भोजन में पूरा चित्त उसका भोजन में गया है, ऐसे कई लोग आँख ऐसे बंद करते हैं ना खाना खाते समय, ऐसे पूरा ध्यान वो खाना खाने में रहना चाहिए। इधर टीवी देख या फिर इधर मैच देख, ऐसे नहीं खाना खाना चाहिए। भोजन गत चित्ता, भोजन में ही चित्त जाना चाहिए। क्षुद्वान बुभुक्षिता, क्षुद्वान में बुभुक्षित जिसको भूख लगी है वो, विवक्तस्थ एकांत स्थित। हाँ हम 35-38 नंबर श्लोक की टीका पढ़ रहे हैं, दूसरी लाइन। विविक्तस्थ एकांत स्थित, एकांत स्थित में खाना खाना चाहिए, बहुत भीड़ है वहाँ नहीं खाना खाना चाहिए। प्रक्षालित चरण हस्त मुख, हाथ पैर और मुख, क्या करना है, धोना है, धोकर खाना खाना है। ये तीनों का संबंध खाना खाने से नज़दीक आता है ना, प्लेट जब हम रखते हैं तो वहाँ पैर भी आएगा, हाथ तो हाथ से तो खाना ही खाएगा, मुख से ही जाएगा, तो ये तीन तो मुख्य धोना है। क्या, चरण हस्त और मुख। अनिंदन मीन्स भोजनम अगर्हमाणा, ग्रह, ग्रह धातु म्हणजे वाईट बोलणे, कोणाला शिव्या देणं, ग्रहती ग्रहता ग्रहंती, अग्रहमाण हा वाईट न बोलता, त्या जेवणाला वाईट न बोलता खाल्लं गेलं पाहिजे, मग ते कसं का असे ना, त्याला काही नावं ठेवायची नाहीत। अब्रुवन अभाषमाण हा की बातें नहीं करनी चाहिए, अब्रुवन अभाषमाण हा बिना बातें किए खाना खाना चाहिए। इष्टम मनोरुचितम भोजनम, जो खाना मन से प्रिय है ऐसा खाना, ऐसा वो मनोरुचितम जो खाना है वो खाना चाहिए। तथा द्रवम द्रव प्रायम, तथा द्रव कि जिसमें लिक्विड हो,
हम जो इंडियन खाते हैं वो सब द्रव प्राय ही है ना। आमटी खातो आपण, वरण खातो है ना, काही लिक्विड घेतो त्याच्यात, असं कोरडं कोरडं सुकी भाकरी सुकी भाजी असं शक्यतो खात नाही। तो द्रवप्रायम खाना खाना चाहिए क्योंकि वो डायजेशन के लिए अच्छा है। इष्ट ही प्रिय ही सह अश्निया, अच्छे लोगों के साथ प्रिय लोगों के साथ खाना खाना चाहिए, शत्रु के साथ नहीं खाना चाहिए, किसके किसके घर में नहीं खाना खाना चाहिए वो भी हमने पहले के पाठ में देखा है। क्षुद्वान इति अत्र प्रशंसायाम मतु प्रत्यय लगता है, उत्पन्नम प्रशस्त बुभुक्षः। मतुप जो प्रत्यय है वो अलग अलग अर्थों में लगता है, कभी कभी प्रशंसा में लगता है, कभी नित्य में लगता है, कभी क्या बोलते निंदा में लगता है। जैसे कुष्ठ रोग हो तो उसको मतुप प्रत्यय लगा तो कुष्ठी होता है, वो क्या होता है कुष्ठी, ये निंदा निंदा का निंदा में लगाया हुआ मतु प्रत्यय है कुष्ठी। वैसे प्रशंसा में लगाया गया प्रत्यय ये है कौन सा, क्षुद्वान, क्षुद्वान में जिसको भूख लगी है, रूपवान जो रूपवान है वो ये भी मतु प्रत्यय है रूपवान, अगर लड़की हो तो रूपवती रूपवती बालिका, और नपुंसकलिंग हो तो रूपवत रूपवत, ऐसे नपुंसकलिंग हो तो ये मतु प्रत्यय प्रशंसा में लगाया जाता है। और नित्य में लगाया जाता है वो कौन सा है, उसका उदाहरण कैसा है, क्षीरिणी वृक्ष जिससे क्षीर निकलता है ना, ऐसा वो क्षीरिणी वृक्ष, ये भी मतु प्रत्यय का उदाहरण है। तो ऐसे अलग अलग निंदा में प्रशंसा में नित्य में ऐसे अलग अलग में ये मतु प्रत्यय लगाया जाता है। तो इधर इन्होंने बोला कि प्रशंसा में मतु प्रत्यय लगाया है कि उत्पन्न प्रशस्त बुभुक्षा, जिसमें अच्छी तरह से भूख पैदा हुई हो ऐसे इंसान को हम क्षुद्वान बोलेंगे। तेन कश्चिदपि यदा दुष्ट बुभुक्षा स्यात् तदा न अद्यात् इति अर्थः। तो उनके द्वारा अगर कभी दुष्ट बुभुक्षा उत्पन्न हुई तो उन्हें नहीं खाना चाहिए, उसको वो ये जो क्षुद्वान है उसके लिए वो शब्द नहीं है, जिसको अच्छी भूख लगी है दुष्ट बुभुक्षा ने अच्छी भूख लगी है उनके लिए ही ये शब्द है, और जिनको दुष्ट बुभुक्षा लगी है उनको नहीं खाना चाहिए। तो हमने दुष्ट बुभुक्षा या लक्षणम, दुष्ट बुभुक्षा का लक्षण हमने पहले बताया गया है, ये क्या है दुष्ट बुभुक्षा। तो संग्रह में लिखा है, दोषोपनद्धम यदि लीनम अन्नम पित्त पित्त उद्धतस्य अवृणुयात् न वह्निम जायते दुष्टा तु तदा बुभुक्षाया मंदबुद्धिन विषयवत् निहन्ति। कि जो दोष है वो क्या होते हैं, उपनद्ध होते हैं, किससे होते हैं, यदि लीनम अन्नम, लीन अन्न को दोष लगते हैं, और पित्त उद्धतस्य अवृणुयात् न वह्निम, जो पित्त उल्बण जो इंसान रहता है जिसमें पित्त ज्यादा रहता है उससे क्या होता है, वो जो अग्नि है वो आवृत्त नहीं कर पाता, और फिर आवृत्त नहीं कर पाता तो क्या होता है, अग्नि बढ़ता है और उस इंसान को एक भूख लगती है। वो भूख जो है वो अगर उस भूख में खाना नहीं खाया या फिर वो भूख लगी और ज़्यादा खाना खाया तो भी आम पैदा हो जाता है, ऐसे उन्होंने बोला है। तो ये जायते दुष्ट तु तदा बुभुक्षा, ऐसी जो भूख बुभुक्षा निर्माण होती है वो मंदबुद्धि लोग क्या करते हैं, उस भूख में खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, और फिर क्या होता है, विश्वत निहंती, विष के जैसा वो इंसान को मार देती है, ऐसे वो बोला है उन्होंने। तो ऐसे भूख में नहीं खाना खाना चाहिए ऐसे। किम भूतम भोजनम, कैसे प्रकार किस प्रकार का भोजन होना चाहिए, सात्म्यम साथ में चाहिए। तच्च सात्म्यम द्विधा, सात्म्यम द्वे दो प्रकार का है।
एकम स्वल्प काला अभ्यस्तम सुखावहम। एक साथ में ऐसा है कि थोड़े से काल में अभ्यस्त अभ्यास करके प्रैक्टिस करके साथ में किया हुआ खाना रहता है। और अन्यच्च जन्मनाह प्रभृति सह आत्मना अभ्यस्तम सुखावहम। और दूसरा जो साथ में है वो क्या है, जन्म से ही साथ में रहता है, दुग्ध है ना, जन्म से ही साथ में है। सह आत्मना अभ्यस्तम, आत्मा से हाँ खुद का अभ्यास करके सुखा वह, ऐसा जो जन्म कथा साथ में है वो साथ में, दो प्रकार का साथ में, एक प्रैक्टिस से किया हुआ साथ में और दूसरा जन्म था साथ में। एतत एव एकम साथ में उच्यते। हाँ, और यही सब ये दोनों ही एक ही साथ में, एक ही इसमें साथ में हमने बोला है। हाँ, ये दोनों साथ में हम ले सकते हैं, ऐसे बोले। तथा सुचि अनुपहतम च, कि केश आदि जो चीजें हैं वो डाला हुआ अन्न जो रहता है वो नहीं खाना चाहिए, स्वच्छ अन्न खाना चाहिए जिसमें केश ना हो, पत्थर ना हो, वो सब नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमारे इसमें लिखा है ना कि केश आदि, केश कीटक ये सब अगर खाने में अगर हो तो उससे आम हो जाता है, आम विष हो जाता है, उस समय में ये लिखा है। अभी जो शोध लगे हैं ना तो उसमें शोध निबंध में लिखा है कि हेयर कंटेमिनेशन अगर फूड में अगर अन्न में खाना हुआ तो इंसान को कॉलरा और बहुत सी बीमारियां हैं ये सब लगती है, एमीबेसिस। तो उन्होंने बोला है कि फिर अगर केश का अगर हेयर का स्टडी किया जाए तो हेयर में ऐसा कुछ टॉक्सिन है ही नहीं, हेयर में बालों में ऐसा कुछ टॉक्सिन है ही नहीं कि जिससे कुछ हो, है ना। पर हेयर जो है वो बेस्ट कैरियर है, जो बाल है वो बेस्ट कैरियर है फॉर बैक्टीरिया वायरस और फंगस, इसके लिए बेस्ट कैरियर है हेयर। तो हेयर से जो ये होता है संसर्गजन्य रोग वो ज़्यादा होते हैं, हेयर्स पर भाई फंगस बैक्टीरिया ये जो है वो चिपक जाते हैं अच्छी तरह से, सिर्फ चिपक नहीं जाते अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। तो हेयर्स पर उन्होंने वो सब रिसर्च पेपर से, गूगल पे सर्च करोगे तो, और हेयर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, मीन्स अगर आपने बाल निगल लिए तो टॉयलेट से वैसे का वैसा बाल निकल जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता बाल। तो ये सब इसीलिए दिया है। और कीटक जो है, कीटक अगर खाने में भी पड़ गए तो भी कंटेमिनेशन ज़्यादा होता है। हमने न्यूज़ देखी होगी कि बाबा खाने में आताच काही महिन्यापूर्वी कुठेतरी झालेलं बघा की जेवणातून विषबाधा झाली आणि 40-50 जणांना विषबाधा एक टाईम झाली। तर जेवणामध्ये खाने में ऐसा कुछ गिर गया, छिपकली गिर गई या फिर मच्छर जैसे ये गिर गया, नहीं तो स्पाइडर गिर गया, तो इससे क्या होता है, विषबाधा होती है, इसका विष ज़्यादा रहता है। मक्खी गिर गई तो भी होता है ज़्यादा इसमें, तो ये नहीं गिरना चाहिए। इसीलिए जो बर्तन है उस पर ढक्कन लगाने की संस्कार किया जाता है हर घर में, ऐसे खुले बर्तन नहीं रखे जाते। तो ऐसा है इसलिए। तृण तृण या फिर कई वनस्पतियों के पत्ते रहते हैं वो भी विषाक्त रहते हैं, वो अगर गिर गए खाने में तो भी विषबाधा हो जाती है। एक वो कीड़ा रहता है ना जिसका आकार ऐसे पत्ते जैसा दिखता है, कीड़ा देखा है ऐसा कीड़ा, ऐसा कीड़ा बगीचले
त्याचं सगळं अंग असं पानासारखं असतं. आवाज येते का माझा? असं त्याचं त्याचं तोंड, पाय, त्याचं बॉडी पूर्ण पान पान असतं ना आपलं, हिरवं पान. ते हिरवं पान तोडून तोडून कसं बनवल्यावर कसा किडा होईल, तसा किडा तयार, तसा किडा असतो. तर तो किडा असं जरी अन्नात पडला तरी कोथिंबीर पडल्यासारखी वाटेल. आलं का लक्षात? तर असे ज्यावेळी ओपनमध्ये जेवण बनवली जातात लग्नात किंवा अशी ओपनमध्ये मांडववर नसलेली, तर तिथे ह्या शक्यता असतात असे किडे पडण्याच्या. असे पडे वर झाड असेल, झाडाला ती वाफ लागली, किडा खाली पडतो आणि मग सगळे वरातीत जे जे सगळे आले ते सगळ्यांना विषबाधा होते. तर म्हणून मांडव घालून ते जेवण बनवण्याच्या पद्धती होत्या, सगळ्या ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या. तसे किडे आहेत, तर ते पडले आणि त्याच्यातून जर जेवण हे झालं, पाक झाला जेवणाचा, तर पूर्ण विषाक्तता येते. 100-100 लोकांना उलट्या जुलाब होतात एवढ्याशा किड्या किडा पडल्यावर, म्हणजे इतकं ते विष असतं. परत ते नवीन एक कोळीचा शोध लागला आहे, म्हणजे कोळी कोळींचा शोध आहेच, पण त्याचं जे विष आहे ते कोबरापेक्षा स्ट्रॉंग आहे. असं वातिक विष असतं, डायरेक्ट न्यूरोटॉक्सिक विष असतात. बर, तर म्हणून ते सुची पाहिजे अन्न, त्याच्यात काही पडलेलं नाही पाहिजे. हितम पथ्यम, पूर्वीचे काही लोक होती ना की असं जर केस बीस पडला ना तर ते टाकून द्यायचं ती वाटी, अशी लोक बघितली असाल तुम्ही, है ना? पूर्वीची तर होती लोक तशी. आता काही लोक आपण केस काढतो आणि मग ते घेतो, है ना? बरोबर आहे की नाही? तर पूर्वी त्याचं केस पडलेला असेल तर जेवणच जेवायचे, ताटावर पण उठाय उठणारी लोक होती. असं होतं. हितम पथ्यम, पथ्य कर पाहिजे. स्निग्धमच्या तदुष्णम स्निग्धोष्णम, स्निग्ध आणि उष्ण पाहिजे, त्याच्यात स्निग्ध भाव पाहिजे आणि उष्ण पाहिजे. तथा लघु प्रायम नथु लघु एव, म्हणजे काय? तथा लघु लघु प्रायम नथु लघु एव. लघु प्रायम म्हणजे जनरली लघु हवं, लघुच असलं पाहिजे असं काही नाही. जनरली आहार हा लघु हवा, लघु राहणार चाहिए, लघुही राहणार चाहिए ऐसा नाही है. न तू लघु एव, केवल लघु राहणार चाहिए ऐसा नाही है. क्यों? अतः एतद एव उपपन्नम, अब हम बता रहे हैं कि षड रसम मधुरम प्रायम, कि इसमें बोला है कि षडरस युक्त आहार चाहिए और उसमें मधुर प्राय चाहिए, जनरली मधुर खाना चाहिए. अब ऐसे बोलोगे तो मधुर रसो ही गुरु हु, मधुर रस तो गुरु हो गया, बराबर है ना? इधर तो बोला है कि लघु प्रायम और इधर तो बोला है षड रसम मधुरम प्रायम, एक साथ दोनों कैसे चीजें हो सकती है, है ना? मधुर प्राय अगर लेना हो तो लघु प्राय नहीं होगा, बराबर है ना? तो मधुर रस तो लघु नहीं है. तथा च वक्षन्ति पटो हो कषायः तस्मात् मधुरः परम गुरु, कि लवण कटपटो म्हणजे लवण कषाय या रसांपासून मधुर रस जो आहे तो गुरु आहे स्वभावाने. तद यदि लघु एव स्यात् मधुर प्रायम इति न घट्यते, अगर हमने लघु ही खाना है ऐसा बोला होता तो मधुर प्राय ये शब्द वहां सूट नहीं होता था, वहां अप्रोप्रिएट नहीं होता था. ठीक है ना? इसलिए हमने बोला है कि लघु प्रायो, लघु एव नहीं बोला है. समझ में आ रही बात? खाना जो खाना है वो लघु, जनरली लघु खाना है. अगर मधुर प्राय होगा तो वो लघु नहीं होगा, ठीक है ना? ऐसे उन्होंने बोला है. समझ में आई बात? तस्मात लघु प्रायम इति व्याख्येयम, और इसीलिए हमने प्राय शब्द की योजना की है, मधुर लघु प्राय जनरली
जो क्या खाना है वो लघु खाना है, गुरु खाया तो कुछ गलत नहीं है, पर जनरली लघु खाया है, पर मधुर आपने खीर खाई, बासुंदी खाया, तो वो गुरु हो गया, तो वो भी खाना चलेगा, क्योंकि वो मधुर प्राय है, मधुर रस का है। ऐसे गुरु गुण जो है वो अग्नि के विपरीत है, इसीलिए ज्यादा गुरु खाना नहीं रहता है। कथम अध्यात, कैसे खाना खाना चाहिए? कथम अध्यात तद आह न अतिद्रुत विलंबितम, झट झट से खाना नहीं खाना चाहिए और स्लो भी खाना नहीं खाना चाहिए, विलंबित करके भी नहीं खाना चाहिए। किम कृत्वा पित्रादि ही तर्पयित्वा, पित्रादि जो जो घर में बड़े बड़े लोग हैं, जो जो नैवेद्य ठेवतो अपन, है ना, देवा समोर काय ठेवतो, नैवेद्य ठेवतो, पित्रादि तर्पयित्वा खाना खाना चाहिए। लोक निर्जीव गोष्टी समोर आपण नमन नैवेद्य ठेवतो, मग त्यात काय उपयोग असं पण काही जण म्हणतात, है ना। सजीव आणि निर्जीव मध्ये दोन्ही सेपरेट नाहीत, ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे। आपण देवासमोर नतमस्तक होतो, मूर्तीसमोर नतमस्तक होतो, ठीक आहे ना। आपण ज्या भाज्या खातो, है की नाही, ज्या वनस्पती खातो, त्या वनस्पती त्या मातीतूनच अन्न घेत असतात, बरोबर आहे, आणि ते जे अन्न काही घेत असतात ते निर्जीवच असतं, बरोबर आहे। त्यामुळे निर्जीव आणि सजीवचा नेहमी संबंध आहेच, सजीव वेगळे पूर्णपणे, निर्जीव पूर्णपणे वेगळी, त्यांचं वेगळं असं नाही आहे। आपण अवलंबून आहोत निर्जीव गोष्टींवर, ते जमिनीतून अन्न घेतात म्हणून ते सजीव झालेत, आणि मग त्या भाज्या आपण खातो। त्यामुळे सजीव आणि सजीवाचं असं काही नाही आहे डिपेंडन्सी। आणि मग त्या निर्जीव गोष्टीला, त्या अमूर्त, त्या ज्या काही मूर्त गोष्टी आहेत निर्जीव, ते आहेत म्हणून आपण आहोत, है की नाही, कोणतरी आहे म्हणून आपण आहोत, ही कृतज्ञता व्यक्त व्हावी म्हणून या सगळ्या गोष्टी असतात। असं कोणी आपल्याला एक गोष्ट दिली तरी आपण थँक्यू म्हणतो, आणि रोज आपल्याला भाज्या मिळत आहेत, आणि त्या भाज्या मिळत आहेत त्या कुठून मिळत आहेत, त्या जमिनीतून येत आहेत, ज्या निर्जीव गोष्ट आहे तिथून येत आहेत। जर रोज आपल्याला मिळत असेल अन्न, रोज आपल्याला ती निर्जीव हवेवर आपण जगत असू, रोज आपण त्या निर्जीव पृथ्वीवर पाय ठेवून जगत असू, तर मग त्यांना कृतज्ञता कधी व्यक्त करायची, ठीक आहे। तर पित्रादि तर्पयित्वा, पित्रा देव ह्या सगळ्यांना तर्पण करून, ह्या सगळ्यांना, त्यांचं सगळ्यांचं पोट भरून काय करायचं, तथा तिर्यश्चोपि अश्व वृषादिना, अश्व आणि अश्व वृष बैल ह्या सगळ्यांना काय करायचं, त्यांचं पोट भरून, प्रतिपन्न परिग्रहान कृतस्वीकारान, की ज्यांचा आपण स्वीकार केलेला आहे, ज्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी आपण घेतलेली आहे, अशा सगळ्यांना, सगळ्यांचं पोट भरून, प्रत्यवेक्ष तद आहार चिंता कृते कृती इत्यर्थः, त्या सगळ्यांच्या आहार चिंतेचा विचार करून आपण काय करायचं, जेवायला बसायचं। आपण जनरली पण जेवायला बसताना लहान मुलं बिले त्यांना पहिलं भरवतो, त्यांचं पहिलं पोट भरवतो, म्हणजे ते शांत होतात, है की नाही, आणि मग जेवायला बसतो, तसं बसायचं, नाहीतर मग ते दंगा करतात। तथा आत्मानं समीक्षम, स्वतःबद्दल विचार करणे, आत्मानं समईक्षम, स्वतःबद्दल विचार करणे, बघणे स्वतःकडे, यथा मम इदं सात्म्यम, इदं असात्म्यम इति नित्यं प्रमत्तः सन् पर्यायलोच्य, नित्यं अप्रमत्तः सन् पर्यायलोच्य, पर्यायलोच्य मीन्स यथा मम इदं हे माझ्यासाठी सात्म्य आहे, मम इदं हे माझ्यासाठी सात्म्य आहे, इदम असात्म्यम हे असात्म्य आहे, असा विचार करून
नित्यम अप्रमत्त, प्रमत्त म्हणजे लोभी, अप्रमत्त म्हणजे लोभ न करता, हव्यास न करता, सन पर्यायलोच्य असा सगळ्याचा विचार करून, पर्य आलोच्य या सगळ्यांचा विचार करून, या सगळ्याकडे पाहून जेवायचं आहे. खरणादेन उक्तम, खरणात क्या बोलता है कि अतिद्रुताशी तू आहार गुण गुण दोषान न विंदंती. करना क्या बोला है कि अति द्रुताशी, एकदम झट झट से जो है वो आहार, अति द्रुताशी तू आहार गुणान, आहार के जो गुण है वो क्या है, गुणान न विंदंती, कि नो उन्होंने बोले नहीं है, आहार विंदंती, विंदंती पूरे वाचिया. अति द्रुताशी में जो झट से खाना खाता है उसके गुण उन्होंने देखे हैं, क्या है देखे हैं, उन्मुय, उन्मुय अति अल्पम अश्नियात, उन्मुय अति अल्पम अश्नियात छर्दयेत वा न अवस्थित अवस्थिता, कि उन्मुय म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने, असं चुकीच्या पद्धतीने अल्पम अश्नियात, चुकीच्या पद्धतीने कमी खाणं, छर्दयेत ज्याला उद्याने उलटी होते असं, छर्दयेत वा न अवस्थितम, न अवस्थितम म्हणजे जे व्यवस्थित नाही असं, विलंबितम तू भुंजानो न तृप्तिम अधिगच्छति, और धीरे धीरे खाना खाया तो क्या होता है, तृप्ति नहीं मिलती खाना खाने में. खादन बहवपि शीतत्वाद अति भोज्यम अरुद्धताम, कि जास्त प्रमाणात खाल्लं किंवा थंड खूप खाण्यात आलं तर ते भोजन हे अरुद्धताम, जे मनाला प्रियकर होत नाही, एकदम खूप खाल्लं किंवा खूप थंड असं खाल्लं तर ते मनाला प्रिय होत नाही असं ते म्हणतात. जल्पतो हसतश्चापि भुंजानस्य अन्यचेतसः, कि जल्पतो म्हणजे गप्पा मारत मारत खाणं, हसत हसत खाणं, हसश्चापि हसत खाणं, असं जे आहे भुंजानस्य अन्यचेतसा, दुसरीकडे लक्ष असताना खाणं, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, त एव दोष हा मंतव्या ये विलंबित भोजनी, हा हे सगळे विलंबित भोजनाचे दोष आहेत. हळूहळू खाणं जेवलं तर काय होतं, काही लोक खूप हळूहळू जेवतात, तास लावतात ना, त्याच्यात काय होतं, मग ते गप्पा मारतात, हसतात, त्यांचं लक्ष वेगवेगळीकडे जातं आणि हे सगळे दोष त्यांच्यात येतात हळूहळू जेवल्यामुळे. तो ये हो गया विलंबित भोजन के दोष. ठीक है, आगे जाऊं. हेमाद्री क्या बोलते हैं, अतः भोजन सम्यक योगः, भोजन के हम सम्यक योग बता रहे हैं, तत्र सम्यक योग प्रकारामः काले सात्म्यमिति. सम्यक योग क्या है भोजन का, कि काले सात्म्यमिति, काल में जो काल है बताया गया खाने का, उस काल में खाना खाना, और कैसे खाना खाना, साथ में खाना खाना, काले, फिर काले का श्लोका उन्होंने डाला है, फिर प्रसुष्टे विनमुत्रे जो श्लोक है वो जीर्ण आहार का, तो वो होने के बाद, भूख लगने के बाद खाना खाना है इत्यादि ना वक्षमाणी, ये हमने बताया है. सूची निर्मलम, सूची मीन्स साफ सुथरा, सात्म्यम इति हितस्य अपि अन अभ्यासः असात्मस्य निवृत्त्यर्थं हितम् इति हितस्य अभ्यासः असात्मस्य, कि साथ में क्या है, साथ में क्या है, हितकर जो चीज़ है उसका अभ्यास करना है. अगर कोई चीज़ नहीं साथ में हो, अगर अच्छी वाली पटोल की सब्जी खानी है, वो साथ में है, शरीर को अच्छी है, हितकर है, पर वो पसंद नहीं है, तो क्या करना है, नित्य अभ्यास करना है, रोज एक दो दिन के बाद वो पटोल की सब्जी खानी है, तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे पसंद होने लगती है, तो वो साथ में होने लगती है ऐसे.
जो हितकर है वो साथ में करना है और जो अहितकर है वो नहीं खाना है, ये सब करना है, उसका निवृत्ति करना, असात्मस्य निवृत्त्यर्थम, असात में जो है उसकी निवृत्ति करनी है। तन्मनः भोजन एकदत्तचित्तः, एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना है खाने पे। अभी कैसे बच्चों को भी गेम देते समय हम खाना खा ये कर रहे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चों को थोड़ा ऐसा कुछ दे सकते हैं, शास्त्र में हमारे भी वचन है कि क्रीड़ा न कह, उसको खेलने खेलने की चीज़ें देखकर खाना खिलाओ, क्योंकि वो खाना नहीं ये करते, खाते नहीं हैं। तो भोजन एक दत्त चित्तः, एक कॉन्सेंट्रेट होकर खाना खाना चाहिए। मधुर प्रायम षट रस तु अपि अधिकम मधुर रसम, षट रस तो रहना ही चाहिए। तन्य षट रस से द्विविध वीर्य से अष्टविध वीर्य से विवाहिक गुण से उपयुक्त से आहार से सम्यक परिणत से, ये जो बोला है ना, तो षट रस उसमें क्या रहना चाहिए, छह ही रस रहने चाहिए और मधुर प्राय, मधुर रस ज़्यादा रहना चाहिए। तो मधुर रस महत्वपूर्ण है, ये याद रखो। डायबिटिक पेशेंट वाले मधुर रस बंद करते हैं और मधुर रस के कम जाने से जो 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 चीज़ें हैं, जो जो व्याधियां हैं वो होती है उनमें, हाँ, तो इसलिए मधुर रस चाहिए। हाँ, दाह होता है, दारण होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो फिर ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट को हम फिर ऐसे दारण हुआ या फिर ऐसे हुआ तो मधुर रस का सिद्ध तेल जो है वो देते हैं लगाने के लिए, ठीक है, तो वो अलग बात है। न अति द्रुत विलंबितम इति क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण है, द्रुत और विलंबित ये क्रिया है, खाना खाने की जो चीज़ जो क्रिया है वो फट से खाना खाना और धीरे धीरे खाना खाना, ये क्रिया विशेषण है। द्रुत द्रुत अश्नियात विलंबित अश्नियात ऐसे। विविक्तस्थो विजनस्य, जहाँ जन नहीं है, जहाँ बहुत लोग नहीं है, यहाँ ऐसे एकांत में या फिर कम लोगों के यहाँ पर खाना खाना चाहिए। रोड पर खाना खाना, स्ट्रीट लाइट फूड, ये जो चीज़ें हैं वो हमारे ग्रंथकारों ने से इसका विरोध किया है। पित्रादि स्तर्पयित्वा, पित्रादि है उनका तर्पण करना चाहिए। प्रतिपन्न परिग्रहान पालयत्वेन स्वीकृतान, इनकी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है, उनको जो है वो उनको खाना खाना देना चाहिए। तिर्यश्चोपि किम पुनर अमनुष्यान, कि जो मनुष्य नहीं है, मीन्स गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जो जो है उनको, प्रतिवेक्ष तेषाम आहार चिंता विधाय, उनकी आहार चिंताओं को सोचकर, उनकी आधार चिंता आहार जो है उनका उसके बारे में विचार करके उनको उनका भी पेट पहले भरना है। आत्मानम समीक्षम प्रकृति विचार्य, खुद की प्रकृति क्या है, हमें क्या सूट होता है खुद को, ये सब सोच कर खाना खाना चाहिए। अनिंदन भोजनम अकुत्सयन, भोजन को क्या करना चाहिए, कुत्सित मन से नहीं खाना चाहिए, कुत्स उसको बुरा भला करके नहीं खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। अब्रुवन कृत मौनः, चुप रह कर खाना चाहिए, मौन रख कर खाना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। द्रवम द्रव बहुलम, खाने में द्रवता रहनी चाहिए, बहुलत्व रहना चाहिए। इष्टम प्रियम, प्रिय लोगों के साथ खाना चाहिए, इष्टैः सह प्रियजनैः सह, तृतीय बहुवचन इष्टैः सह उनके साथ, प्रियजन है उनके साथ खाना खाना चाहिए। सुचि भक्त जन आरुतम, जो साफ सुथरे हैं उन्होंने जो खाना लाया है वो खाना, सुचयो बाह्य अभ्यंतर शौच युक्ता, कि वो दोनों उनमें शुद्धि है, वो साफ सुथरे तो है ही, स्नान करके उन्होंने खाना लाया है और वो मन से भी शुद्ध है, उनके मन में भी लोभ राग द्वेष ये सब चीज़ें नहीं है, ऐसे लोगों ने लाया हुआ खाना खाना चाहिए। भक्ताः अनुरक्ताः ये जनः तैः आरुतम, ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने खाना लाया है आनितम, तो वो खाना साफ सुथरा खाना उन अच्छे लोगों के साथ खाना चाहिए।
आगे आगे पढ़ूं? इसमें कौन सा शब्द नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है? भोजनम तृणकेशादि जुष्टम उष्णम उष्णीकृतम पुनः शाका अवरान्नम भूयिष्टम अति उष्णलवणम त्यजेत। कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए जिसमें तृण केश आदि गिर गया हो, उससे जुष्ट हुआ हो खाना, उष्णम उष्णीकृतम पुनः और वापिस गर्म किया हो खाना, वो खाना नहीं चाहिए, खाना खाना नहीं चाहिए। शाक अवरान्नम, शाक मीन्स जो लीफी वेजिटेबल है वो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अवर अन्न, जो अवर अन्न है कोद्रुमो है वो सब जो है ना माश आदि, तो वो अवर अन्न नहीं खाना चाहिए। ऐसे भूयिष्ठ खाना नहीं खाना चाहिए। अति उष्णम लवणम वजह, बहुत गर्म और बहुत लवण युक्त तो खाना नहीं खाना चाहिए। तृणादि जुष्टम भोजनम त्यजित, जिसमें तृण गिरा हो, तृणादि जो चीज़ है तृण केश कीट ये सब भी आते हैं उसमें, वो नहीं खाना खाना चाहिए। आदि शब्दे न माक्षिकादि परिग्रह, आदि शब्द से माक्षिकादि परिग्रह, माक्षिका जो है वो भी खाने में गिर गई तो वो दूषित हो जाता है। मच्छर गिरते हैं खाने में, ऊपर की जो वाप लगती है तो वो मर जाते हैं और उसमें ही गिर जाते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तथा भूय उष्णितम, तथा भूय उष्णितम बहुत गर्म किया हुआ खाना, बहुत गर्म गर्म खाना ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो मन में सवाल उठते हैं ना फिर, कैसे खाना चाहिए है ना, गर्म तो नहीं खाना चाहिए। तो हमारे शास्त्र में वर्णन है ओदन कैसे खाना है, राइस कैसे खाना है, गरम गरम खाना है पर उसकी जो वाप है वो निकल जाने के बाद खाना है, इतना गरम खाना है, जब वाप आ रही हो तब नहीं खाना है। तथा शाक बहुलम, जिसमें शाक सब ज्यादा है, पालक मेथी बीथी जाका है ऐसे सगड़ा, शाक बहुलम। तथा अवरान्नम माशादि तद्भूयिष्टम, अवरान्न माशादि जो भूयिष्ट है वो सब अवरान्न नहीं खाना खाना चाहिए। तथा अति उष्णम अति लवणम, अति उष्ण और अति लवण खाना नहीं खाना चाहिए। पाले भाज्या ज्या असतात त्याच्यात लवण रस जास्त असतो म्हणून आपण मीठ कमी टाकतो, आणि त्यामुळे लवणाचा अतियोग झाला नाही पाहिजे म्हणून पालेभाज्या खायच्या नाही आहेत। पालेभाजी पान हे झाडाचं लवकर खराब होणारं अंग आहे, लक्षात, पान हे झाडाचं लवकर खराब होणारं अंग आहे, त्यामुळे पालेभाजी ही जास्त खायची नाही। फळभाजी बघा, तुम्ही दुधी आणून ठेवलात तर दुधी टिकते 2-3 दिवस 3 दिवस, पण तेच पालेभाजी आणलीत की दुसऱ्या दिवशी खराब होऊन जाते। तर ज्याच्यामध्ये जीवशक्ती जास्त आहे असं खाणं जेवण जेवायचं असतं। फळभाजी फळं जी आहेत ती झाडाचं एकदम काय म्हणतात तो इसेन्स आहे, झाडाचा एकदम चांगला भाग आहे, फळभाज्या जास्त खायच्या असं। आयुर्वेद रसायन तृण जुष्टादि भोजनम अपवादम इति भोजनमिति, तो ये सब अगर चीजें हो तो नहीं खाना चाहिए भोजन में। तत्र निंदितम न इति ग्रहणात्, ये निंदित है अगर ये गिर गया तो ये खाना नहीं खाना चाहिए। तृण केश माक्षिकादि जुष्टस्य निंदितस्य अपि प्राप्ति ही, अगर ये खाने में गिर गया तो खाना नहीं खाना चाहिए। हे सगळे मॉडर्नचे रिसर्च पेपर आहेत, गुगलवर त्या तुम्हाला कळेल की केस गेले खाण्यात जेवणात की काय काय होऊ शकतं। मग ते बाकीचे आजार तर होऊ शकतातच पण शिवाय बाकी काय होऊ शकतं। बद्धोदर, बद्धोदरामध्ये कारण सांगितले याचं, तर ह्या गोष्टी उष्ण ग्रहणात पुनर्उष्णीकृत कृतः अति उष्णयो हो, उष्ण ग्रहणामध्ये काय आहे की पुन्हा पुन्हा गरम केलं, काही जण करतात ना की सकाळची परत आमटी परत गरम करायची, तर ते परत गरम करणं जे आहे ते चांगलं नाही आहे आयुर्वेदानुसार। इष्टग्रहणात शाकसुप बहुल्यस्य षड ग्रहणात अतिलवणस्य,
इष्ट ग्रहणात शाक सूप बहुलस्य, त्याच्यात खूप शाक सूप आहे असं, आणि षडरस ग्रहणात लवण लवणस्य, की खूप पालेभाज्यांचं सूप असलेलं असं जे आहे ते खायचं नाही आहे, आणि षडरसामध्ये लवणाचा अतिवापर करायचा नाही आहे असं ते म्हणत आहेत. ठीक आहे, पुढचा एक श्लोक वाचूया. इथपर्यंत काय, इथपर्यंत काय ना कळालेलं नाही असं काय? किलाट दधी कुचिका क्षार शुक्ताम शुक्त आममूलकम कृश शुष्क वराह अवी गो मत्स्य महिषम आमिषम माश निष्पाव निष्पाव शालुक विष पिष्ट विलुढकम शुष्क शाकान यवकान फाणितम चन शीलयेत. हे नाही खायचं, हे खाना नाही खाना आहे. आता खालचं वाचतो मी. किलाट अरुंडतचं वाचतो. तथा किलाटादिन न शीलयेत न अभ्यासेत न कदाचित अव्यव्यवहार येषाम निषिद्धते. की न ज्यावेळी आम्ही सांगतोय नकार दाखवतोय निषेधार्थ दाखवतोय त्यावेळी तरी थोडं तरी खायचंय असं नाही आहे, कधीच खायचं नाही असं आहे. न कदाचित अव्यव्यवहार येषाम निषिद्धते, की शक्यतो नाहीच खायचंय असं याचा अर्थ आहे. मुनिना तू चरक सूत्रस्थान न अभ्यासेत गौरवात, की चरकांनी सांगितले की ह्याच्याने गौरव होतो. इति यथा हेतु उपन्यस्तत तथा इह न उक्तम अयुक्तत्वात. कि चरक ने क्या बोला है कि ये इनसे क्या होता है, न अभ्यासेत गौरवात, गौरव जो है गुरु जिसमें गुरुता है वो जो है वो नहीं खाना चाहिए, इससे गौरव हो जाता है, गुरुता आ जाती है. हेतु उपन्यस्तता, ये हेतु है और इसीलिए हमने यह यहाँ बताया नहीं है, क्योंकि ये सूत्र स्थान है. ये निदान स्थान होता तो हम बता देते कि ये चीज़ें खाने के बाद ये चीज़ें हो जाएंगी. किलाट खाओगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी, दधी खाओगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी, है ना, क्षार खाओगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी. तो हमने ये नहीं बताया है क्योंकि ये यहाँ ये अयुक्तत्वात, ये अयुक्त है क्योंकि ये सूत्र स्थान है. निदान स्थान जब आएगा तब हम वो चीज़ें बताएंगे ऐसे. तथा ही एशाम अनभ्यव्यवहारे यदि गुरुत्वम एव हेतु स्यात्, अगर गुरुता गुरु ही ये हेतु होगा, ये तो हो सकता है ऐसे बोला है कि ये चीज़ें नहीं बोले ना खाना खाने में, तो इनका इसका जो हेतु है वो गुरु है ऐसे वो बोल रहे हैं. मतलब क्या कि ये जब चीज़ें ऊपर की बोली है ना उन्होंने, तो ये बोल रहे कि ये चीज़ें गुरु है इसीलिए ये नहीं खानी चाहिए ऐसे उन्होंने बोला है, ऐसे वो बोलते हैं. ततो गुड़ यवादीनाम बहुतराणाम द्रव्याणाम शीलनम अयुक्तम स्यात्. फिर ऐसा अगर हमने किया गया, गुरु ही चीज़ नहीं खानी है, गुरु ही चीज़ खाने में अच्छी नहीं है, तो गुड़ यवादी बहुत सी चीज़ें जो आएगी वो भी खाने में अयुक्त हो सकती है. तस्मात एशाम अशीलने अन्यदपि कारणम चिंतन, तो इसका और भी कारण हो सकता है, सिर्फ गुरु है ये कारण नहीं सूटेबल है. सिर्फ गुरु होना ये कारण सूटेबल नहीं है, क्योंकि कई तो अपना गोधूम भी गुरु होता है पर वो खा सकते हैं, है ना, गोधूम गहू है ना, तो अपन गुरु अस्तो में तो खाओ सकते हो अपन, है कि नहीं. तो ये सिर्फ गुरु है ये कारण नहीं हो सकता, अन्य भी कोई कारण है उनका, उनके बारे में सोचना चाहिए. कारणम चिंतनम चिंतम न तो गुरुत्वम
गुरुत्व मात्रम एव, सिर्फ गुरु है, ऐसे करके हमने उसका त्याग नहीं किया है। उसके और भी कारण हैं, यथा किलाट कुचिकयो हो दोषलत्वम। किलाट और कुचिका जो है, किलाट मुझे पनीर सरक, अन कुरुचिका मुझे दधी कुरुचिका, ते तक्र कुरुचिका, अपन ते कुरुचिका बगित लेना, ते शाक शाक घालून करायचा ते भाजा, तर ते वो क्या है, दोषलत्व है, उससे दोष होता है, दोषोत्पत्ति होती है, त्रिदोष प्रकोप होता है। और दधिस्तु दधि ही तू ज्वरादि कर्तृत्वम तथा श्रोतोलेपः। दधि से क्या होता है, ज्वरादि रोग हो जाते हैं, क्योंकि वो श्रोतों में लेप करता है, वो अभिशंधि है तो श्रोतों में उसका लेप हो जाता है। और श्रोतोलेपनत्वात् अनेक हेतु अनेक रोग हेतुत्वम, और श्रोतोरोध होने से, ये श्रोतोरोध जो है वो अनेक रोगों का हेतु है ना, संप्राप्ति मध्ये काय सांगतो, श्रोतोरोध सांगितलेला आहे। यत्र संग ख वैगुण्य, यत्र संग, तो श्रोतोरोध होने के कारण क्या होता है, वो अनेक रोग का हेतु हो जाता है, कौन, दधि। और क्षारस्य पुंसत्व हानि कृत्वम, कि क्षार जो है वो जो पुरुष की जो ताकत है वो कम कर देता है, पुंसत्व हानि कर देता है। और शुक्तस्य जो है वो दृष्टि हंतुत्वादि, शुक्त जो होती है आम्ल शुक्त, वो क्या होता है, शुक्त दृष्टि हंतृत्वादि, उससे दृष्टि जाती है, शाक से भी दृष्टि जाती है, शुष्क शाक से भी दृष्टि जाती है। तो तस्माद् एषाम् अपत्यत्वाद् शीलन निषेधो बोध्या, और इसीलिए हमने उनको खाना खाने नहीं बोला, ये चीज़ें खाने के लिए हमने निषेध किया है, सिर्फ वो गुरु है इसीलिए नहीं किया है, ऐसे वो बोलते हैं। आई समझ में बात? आता मग राहिलेले जे आहे ते काय काय करतं, तेही काहीतरी रोगनिर्मितीचं कारण आहे। राहिलेलं जे काय आहे तेही रोगनिर्मितीचं कारण आहे, म्हणजे आममूलक असेल किंवा काय वराह गोमत्स्य हे असेल, शुष्क मांस असेल, माश, निष्पाव वाटाणा वा पावटा सॉरी, नंतर शालुक, हे जे काही आहे ते पण काहीतरी कुठली तरी रोगनिर्मितीचं कारण आहे। तर त्यामुळे त्यांचा आम्ही त्याग केलेला सांगितले, केवळ गुरु आहे म्हणून नाही, असं ते सांगतात। हेमाद्री बोलते हे की साम्यत्वादी प्रसक्तम, साम्यत्व आदि प्रसक्तम किलाट अद्य अभ्यासम अपवदती। अपवदती मीन्स हमने वो नहीं खाने के लिए बोला है, किलाट आदि जो चीज़ें हैं वो। आमम इति मूलस्य विशेषण, आममूलस्य, मूला कसा पाहिजे, आममूळ, बालमूळ परत खायला सांगितले, परत शुष्क मूळ नाही खायला सांगितले। मुळा तीन प्रकारचा, एक आममूळ म्हणजे जो पक्व नाही तो, नंतर बालमूळ आणि नंतर पक्व मूळ मूळ असं, तर हे विशेषण आहे मुळाचं। कृशादिनी आमिषम, कृश प्राण्यांचं आमिष, म्हणजे जे बारीक बारीक प्राणी आहेत ज्यांना मांस नाही, असं आमिष, आमिष म्हणजे मांस। न शिलियत न नित्य भजेत, की रोज नाही खाना चाहिए, नित्य नाही खाना चाहिए। तदा यदा तत् सेवनं विना स्थातुम अशक्ती ही, यदा वा तत् साध्यम रोगोत्पत्ती ही, तदा भजेत इति अर्थः। यदा तत् सेवनं विना स्थातुम अशक्ति ही, उनका अगर सेवन किया तो क्या होगा, यदा वा तत् साध्यम रोगोत्पत्ति, कि अगर किसी चीज में इनकी जरूरत पड़ी कोई रोग क्षमन क्षम ये करने के लिए तो वो सेवन कर सकते हैं, पर वैसे वैसी वो कंडीशन चाहिए। अगर शक्ति नहीं हो
अगर अग्नि नहीं हो, शक्ति नहीं, तो नहीं करना चाहिए। तत् असाध्य रोगोत्पत्ति, तो इससे क्या होगा कि ये जो सेवन है इससे क्या होगा, असाध्य रोगोत्पत्ति, जो रोग होते हैं वो असाध्य होते हैं, ऐसे उन्होंने बोला है। ऐसे ठीक है, प्रश्न ऐसा प्रश्न है क्या नंतर नित्य सेवनीय है शीलयेत शालिग्रोमं यवषष्टि कृतांगलम्। याचं चिंतन करायचं, वाचतो ना आपण, याचं प्रॅक्टिसमध्ये चिंतन करत राहायचं की असं काय खातात लोकं, ऐसे कौन से हेतु घडते हैं, है ना। इसका चिंतन करते गए तो क्या और चीज़ें पता चल जाती हैं। शुष्क शाकानि न शीलयेत, शुष्क शाक, अगर वो लीफी वेजिटेबल आज ली तो आज ही सब्जी बनानी उसकी, दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं बनानी रहती। तो ये शुष्क शाक अगर खाए तो हमें आँखों की व्याधि होती है, पूरी शेजक कृमि होते हैं, शुष्क शाक, तो शुष्क शाक नहीं खाने चाहिए। तो जब आज सब्जी बनी हो तो आज ही बनाना है, ये सब है। थम्बुया।